चलिए ओके तो हम लोग देख रहे हैं कि एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इसमें बताया जा रहा है कि जो एवेलिन ग्लेनी जो गर्ल थी, ठीक है, उनके सुनने की शक्ति बहुत धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है उनकी सुनने की शक्ति वो कम होती गई। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो उनके जो मदर हैं, ठीक है, उनकी मदर याद करती हैं, उनकी मदर याद करती हैं कि सबसे पहले उन्होंने एवेलिन की जो सुनने की शक्ति थी उसकी कम होने को उन्होंने कैसे नोटिस किया था। तो शी noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो उनकी मदर ने सबसे पहले नोटिस किया था जब वो 11 साल की थी, ठीक है, नहीं सॉरी, जब वो 8 साल की थी, जब वो 8 साल की थी तब उन्हें नोटिस किया था कि इनके सुनने की शक्ति कम हो रही है। जब जो एवेलिन थी, है ना, जब वो पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, तो उसी वक्त दे कॉल्ड हर नेम। तो उन्होंने पियानो बजाने वालों ने जब उनका नाम पुकारा, ठीक है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। तो एवेलिन का नाम पुकार जाने पर भी वो अपने जगह से हिली नहीं, है ना, वो बस वेट करती रह गई। तब जाकर के उनकी मम्मी को थोड़ा सा डाउट हो गया, शक हो गया, है ना, कि जो एवेलिन है उसके कानों में कुछ गड़बड़ी है या सुनने की शक्ति कुछ कम हो गई है इसकी, है ना। तो ये पहली बार उसकी मम्मी ने नोटिस किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एवेलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी, है ना, वो सबसे उसकी कमी होने की कम होने के बारे में नोटिस सबसे पहले किसने किया था? उसका आंसर होगा क्या? उनकी मम्मी ने, ठीक है, ओके। फिर आगे कहा जा रहा है कि आई सडनली रियलाइज दैट सी हैडन्ट हर्ड, कि मैंने अचानक से मैंने ये रियलाइज़ किया था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है, ठीक है। शी इज इसाबेल ग्लेनी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवेलिन ग्लेनी की जो मम्मी है, उनकी मदर, उनका नाम था इसाबेल ग्लेनी, ठीक है। तो इसाबेल ग्लेनी को रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी जो एवेलिन ग्लेनी है वो उसने सुनी ही नहीं, ठीक है, पियानो बजाने के लिए जब उनको बुलाया गया तो उनको ये आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब कि कुछ समय तक तो जो एवेलिन है ना, उन्होंने अपने बढ़ती हुई जो उनका जो बहरापन था, उनका जो बढ़ता हुआ जो बहरापन था, ठीक है, उसको उन्होंने अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से बहुत समय तक उन्होंने ये बात छुपा करके रखी, ठीक है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, ठीक है, जब वो 11 साल की हुई तो एग्ज़ाम में उनके जो मार्क्स आते हैं, उनके मार्क्स जो है वो ख़राब आने लगे, ठीक है, उनके मार्क्स बहुत कम आने लगे। और तब जाकर के उनके स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थीं, ठीक है, एवेलिन के स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थीं, उन्होंने उसके पेरेंट्स से ये अर्ज किया, ये प्रार्थना की टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, है ना। तो एवेलिन के स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट किया, ये प्रार्थना की कि उनको किसी स्पेशलिस्ट से दिखलाइए, ठीक है। सो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, तब जाकर के सभी लोगों को ये पता चला कि उनकी जो सुनने की शक्ति थी, है ना, वो बहुत ही गंभीर रूप से सुनने की जो शक्ति थी वो बहुत गंभीर रूप से वो उसको नुकसान हुआ है, ठीक है, और वो सुन नहीं सकती एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि उनका जो एक नर्व था, ठीक है, एक नस के डैमेज होने के कारण उनके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई थी। ओके स्टूडेंट्स, सो दे वेयर एडवाइज्ड
दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स. और उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई, ये सलाह दी गई कि एवेलिन को कुछ हियरिंग एड्स यानी कि सुनने की मशीन उसे लगानी चाहिए एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ. और उसे स्पेशल जो बच्चे होते हैं डीफ, है ना, डीफ बच्चों के लिए जो स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ पर भेजने के लिए उनको कहा गया. सो एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन. तो एवेलिन को ऐसा लगा कि उनके जीवन में पूरा अंधेरा छा गया है. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन. ठीक है, एवेलिन को लगा कि उनके जीवन में पूरा अंधेरा छा गया. स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ टू खत्म होता है. ठीक है, और अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.